सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियंस हैं, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। जैन, ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राबता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं रबता। मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। 500 पाकिस्तानी यूक्रेन में फंस गए। दफ्तर खाजा और पाकिस्तानी सिफारतखाने की गफलत के बायस पाकिस्तानियों को बर वक्त नहीं निकाला जा सका। क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया गया, एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाए, हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट बुक की ट्रेन की। भाई जी, बड़ा हंगामा हो रहा है रशिया में और यूक्रेन में, और साथ साथ हमारे यहाँ के भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जो यूक्रेन में, और वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही, और उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज चल रही थी। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के गर्व नहीं महसूस हो रहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। इस जंग के माहौल के अंदर कटोरा खान, इमरान खान अपना कटोरा लेकर रूस पहुंच गया, लेकिन पुतिन ने कटोरा खान को कुछ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक ही ठुल्लू दिया बाबा जी का, कि बोला ये ले जाओ और इसको हिलाओ झुंझुने को। बाबा जी का ठुल्लू तेरे लिए दो। ऊपर से यूएस ने चिढ़ के पाकिस्तान के ऊपर $55 मिलियन का जुर्माना और ठोक दिया। अगर ये पाकिस्तानी यही रुक जाते हैं तो ये बात एक हद तक सही थी, लेकिन ये ठहरे पाकिस्तानी, अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती ना करवाए तो इनको पाकिस्तानी बोलेगा कौन? ये वाले मसले से ये पाकिस्तानी सुलझे भी नहीं थे, तो यूक्रेन में फंसे हुए स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों को, पढ़ने वालों को एकदम से दरकिनार कर दिया, जैसे वो अछूत हो, वो उनके लायक ही नहीं है, वो उनके देश के नहीं है, और उनकी एम्बेसी ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। वो बेचारे बच्चे सारे बुरी तरीके से फंस गए थे, तो उनको अपने असली पूर्वजों की याद आई और उन्होंने भारत माता की जय बोली, और भारत के झंडे की पावर उन यूक्रेन के पाकिस्तानी बच्चों को अच्छे से पता चल गई है कि भारत के झंडे में कितनी पावर होती है। तो इस वीडियो के अंदर उन पाकिस्तानी बच्चों का भी रिएक्शन देखते हैं, उन पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, कि वो अपने पाकिस्तान को किस तरीके से गालियां दे रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। ये न्यूज वीडियो है। ज्यादा तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, ये झूठ लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी, और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। मेरा नाम कुलदेव समाइया है और मैं पाकिस्तान से हूं, और मैं खारिजी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है, और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सफर है, हम उधर से बैठे हैं, सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था, KIMU में हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं,
और यहाँ अभी हम एक न्यूज देखी है जियो न्यूज पे, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खारकिव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA प्यार आएगा, आपको लेके एवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है, बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसी पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम एवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुए हैं। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जैन ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राबता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राबता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी, उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं, और जितने स्टूडेंट्स हैं वो उनको पीछे छोड़ गए हैं। अभी भी कीव के हालात जो है वहाँ पे बम्बिंग लाइक बम्स हैं, गिर रहे हैं, शेलिंग हो रही है, अभी तक स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं, और उनके पास कोई हेल्प नहीं है। अब हम तकरीबन तकरीबन 3 दिन से उनको ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारी कॉल उठाएं, जो इमरजेंसी नंबर्स उन्हें दिए हैं कोई कॉल नहीं उठा रहे। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे, वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन जो ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन है वहां पर रहने पर मजबूर है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? और मुझे बताएं खाने पीने का क्या इंतजाम है आपके पास, खाना पीना किस तरह करते हैं आप? जी खाने पीने का तो कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि कर्फ्यू नाफिस है और तमाम स्टोर बंद पड़े हुए हैं। कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी कहना था कि इंडियन फ्लैग लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाए जहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी फंक्शन कर रही है, वहां से आगे निकालने का काम पाकिस्तानी एम्बेसी कर लेगी। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, पाकिस्तानी आवाम को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तानी झंडा कितना काबिल है और कितना बढ़िया झंडा है, और पाकिस्तानी झंडे से आपकी जान नहीं बचेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर तो वो युद्ध के दौरान रूस जाना था, लेकिन उससे भी बड़ा फेलियर ये है। लेकिन ये तो ठहरे पाकिस्तानी, इनको इंसल्ट कराए बिना चैन कहाँ मिलेगा भाई? अगर ये इंसल्ट नहीं करवाएंगे तो हम भारतीयों का मनोरंजन कैसे होगा भाई? सही बात है। तो अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लगाता हूँ, अच्छी अच्छी पोस्ट डालता हूँ, एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो फॉलो कर लो, नहीं तो एक बार तो विजिट कर लो, नहीं तो भी फॉलो कर लो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।